उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन जनपद देहरादून के द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। यह आयोजन लोक निर्माण संघ भवन में किया गया। इस अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि राजपुर विधायक खजानदास और विशिष्ट अतिथि के रूप में सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र पंवार पहुंचे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का शासन स्तर पर त्रिपक्षीय बैठक कर समाधान किया जाएगा। सरकार कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं के निदान के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान संघ का चुनाव भी संपन्न हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष पंचम सिंह बिष्ट, सचिव सुभाष रतूड़ी निर्विरोध चुने गए। अधिवेशन के दौरान स्थानांतरण एक्ट सुगम दुर्गम एवं इस वर्ष स्थानांतरण में शून्य सत्र की मांग भी जोर शोर से उठाई गई। साथ ही इस अधिवेशन के दौरान लोक निर्माण विभाग निसंवर्गीय पदों को संवर्गीय किए जाने पर भी जोर दिया गया। इस दौरान अधिवेशन का शुभारंभ विधायक खजानदास ने दीप प्रज्वलित कर किया और कर्मचारी संघ के कई पदाधिकारियों ने भी अपना संबोधन दिया। अधिवेशन में चुनाव सुनील दत्त कोठारी, पीएन नौटियाल और सुभाष देवलियार की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें की पंचम सिंह बिष्ट अध्यक्ष, राजेंद्र सिंह चौहान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एम आर खंडूरी एवं चंद्रशेखर भट्ट उपाध्यक्ष, सुभाष रतूड़ी जिला मंत्री, श्रीपाल भंडारी और मनमोहन भंडारी संयुक्त मंत्री के तौर पर चुने गए। ये हमारा संगठन है उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन। राज्य में जितने भी मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हैं जो कार्यालयों में काम करते हैं उनका एक बहुत बड़ा संगठन है। लगभग 44 विभाग इसमें कार्यरत हैं। तो आज ये जिला की हमारी जो कार्यकारिणी थी उसका कार्यकाल खत्म हो गया था, तो उसी का गठन यहाँ पर किया जा रहा है और जो कर्मचारियों की जिला स्तर की मांगे हैं उनके संबंध में चर्चा की जाएगी और नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। देखिए, आज यहाँ पर कर्मचारियों का अधिवेशन हो रहा है। विभिन्न विभागों के कर्मचारी आखिर ये अधिवेशन एक सकारात्मक पहल कर रहा है और मुझे लगता है कि जो एसोसिएशन के जो लीडर्स हैं, हमारे नेता हैं, जो विभिन्न विभागों से संबंध रखते हैं, वो एक मंच पर आकर के अपनी समस्याओं से एक दूसरे को अवगत करवाते हैं। उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए कर्मचारियों के अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आम जनमानस की तरह उन्होंने भी लाठियां खाई है, गोलियां झेली है, तो इसलिए उनका अधिकार बनता है कि अपनी समस्याओं का किस तरह से निराकरण हो। आज हमारा उत्तराखंड राज्य 18 वर्ष का हो गया है। 18 वर्ष में हमने क्या खोया, क्या पाया, इसको विषय को लेकर के समीक्षाएं हर समय होते रहती है, तो आज उसी का एक स्वरूप है। संवाद 365 के लिए कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अनुराग सक्सेना की रिपोर्ट।